गुड मॉर्निंग एवरी वन. टूडे वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज हेयर अ वर्चुअल असेंबली रेडी फॉर गायत्री मंत्र. Ready for prayer, join your hands and close your eyes. ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम. नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम. ए मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर. कुछ नाता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है. तेरी रोशनी में वो दम, जो अमावश को कर दे पुनम. नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम. ए मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना. वो बुराई करे, हम भलाई करे, ना हो बदले की उभावना. बड़े उठे प्यार का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम. नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम. ए मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी. पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी. दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सब के गम. नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम. ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम. नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम. ओपन योर आईज एंड डाउन योर हैंड्स. रेडी फॉर नेशनल सॉन्ग, टेक योर पोजिशन.
स्टार्ट। वे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय जशीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुलकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुभाषिनी सुमधुरभाषिनी सुखदाम्बरदाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, रेडी फॉर थॉट। इफ यू बॉर्न इन अ पुअर फैमिली इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई इन अ पुअर फैमिली इट्स योर मिस्टेक। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। रेडी फॉर स्कूल सॉन्ग, टेक योर पोजिशन। आओ चले हम जागृति के संग, नई उमंग जागृति के संग। आओ चले हम जागृति के संग, नई उमंग जागृति के संग। संग चलेंगे हम तो जीत जाएंगे, दुनिया की जंग को जीत जाएंगे। संग चलेंगे हम तो जीत जाएंगे, दुनिया की जंग को जीत जाएंगे। आगे ही आगे बढ़ाएंगे कदम, चलो चले हम आओ चले हम जागृति के संग। आओ चले हम जागृति के संग, नई उमंग जागृति के संग। दुनिया की भीड़ में हमको साबित करना है, हम किसी से कम नहीं अब ना डरना है। दुनिया की भीड़ में हमको साबित करना है, हम किसी से कम नहीं अब ना डरना है। मिलके ही आगे बढ़ाएंगे कदम, चलो चले हम आओ चले हम जागृति के संग। आओ चले हम जागृति के संग, नई उमंग जागृति के संग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। और आज के टाइम में कोरोना काल में हम सभी को ठीक होना ही चाहिए, और साथ ही साथ अपने सेहत के साथ साथ हमें अपने दिमाग को भी तंदुरुस्त रखना चाहिए। अब दिमाग को तंदुरुस्त रखने के लिए क्या करना है कि अपने आसपास जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं आने ही नहीं देने चाहिए। अपने दिमाग में हमें पॉजिटिव विचार रखने चाहिए, जिससे हमें इस संकट के समय में हमें यहाँ से निकलने में आसानी हो। क्योंकि बेटा, कोई भी समस्या हमारे समाधान के से बड़ी नहीं हो सकती। हमारी समस्या का कद हमेशा छोटा होता है और समाधान का कद बड़ा होता है। इसीलिए मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। बेटा, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था। राजा के दो बेटे थे। तो बेटा, एक दिन राजा के बेटे ने बैठे थे तो उन्होंने सोचा कि आज हम शिकार पर चले। तो शिकार पर जाने के लिए उन्होंने पहले अपने पिताजी से परमिशन लेने की सोची। अब जाके वहाँ पर उन्होंने अपने पिताजी को बोला, पिताजी हमें आज हमें शिकार पर जाने का बड़ा मन है। तो उसके पिताजी ने उन दोनों को आज्ञा दी और साथ ही साथ कुछ सैनिक भी वहाँ पे उनके साथ भेज दिए। तो वो जब सैनिक वहाँ पे गए उनके साथ, तो रास्ते में उनको एक नदी मिली। जब नदी में उन्होंने ये सोचा कि पहले शिकार पे जाने से पहले हम क्या करें, एक पहले थोड़ा सा यहाँ पे मौज मस्ती कर लेते हैं, नहा लेते हैं।
अब वो नदी में वो नहाने के लिए घुस गए दोनों भाई। अब जब नदी में नहाने के लिए गए तो उन्होंने क्या किया कि जो एक बड़ा भाई था वो तो नदी के किनारे ही तैर रहा था, मस्ती कर रहा था, लेकिन जो छोटा भाई था वो थोड़ा सा और नदी के गहराई में चला गया। अब वो गहराई में जाने के बाद ना उसके साथ क्या हुआ कि नदी का बहाव तेज हुआ तो बेचारे को थोड़ा सा और नदी का पानी उसको आगे तक ले गया, और बड़ा भाई ये देख कर थोड़ा सा घबरा गया और उसने क्या किया किनारे पे जाके खड़ा हो गया और अपने भाई के लिए आवाज़ लगाने लगा, कोई मदद के लिए आए, मेरे भाई डूब रहा है, और सैनिक भी खड़े होकर चिल्लाने लगे। और इस तरीके से क्या हुआ कि जो उसका जो छोटा भाई जो पानी में डूब तैर रहा था आगे तक चला गया था वो बड़ा हताश सा हो गया कि उसको लगा कि अब तो मैं मरने वाला हूँ। ऐसा सोचते हुए वो और आगे थोड़ा सा निकल गया और उसका जो बड़ा भाई था किनारे पे खड़ा होकर रोने लगा कि मेरे पिताजी जो हैं वो क्या कहेंगे कि मैंने छोटे भाई को खो दिया। अब ये सोच के वो जमीन पे बैठ गया और अपने उसने सर नीचे कर लिया। तो इतने में उसने क्या देखा कि एक साधु जी आते हैं और साथ में एक युवक भी उनके साथ आता है। तो वो देखता है कि अरे ये तो मेरा छोटा भाई है। अब छोटे भाई को देखा, उसने उसको गले लगाया तो उसको कहता है कि अरे तू तो बच गया, कैसे बचा, ये चमत्कार कैसे हुआ। तो साधु महाराज ने कहा कि ये मैं बताता हूँ, हुआ ये जब ये नदी में गहराई में जब जा रहा था आगे बहाव में तो तुम लोगों ने इसको ये समझाने की जगह तू तैर के आ सकता है बाहर बजाय इसके तुमने उसको क्या कहा, हाँ तुम डूब जाओगे, तुम ये कर लोगे, तुमने उसके अंदर एक नकारात्मक विचार उसके दिमाग में डाल दिए और इस विचार से ये बेचारा इसको ये समझता था इसको आता था तैरना लेकिन ये तैर नहीं पाए क्योंकि इसका दिमाग एक तरीके से सुन हो गया। लेकिन जैसे जैसे ये तुम लोगों से दूर रहा तो उसकी जो नकारात्मक सोच थी तो तुम लोगों की नकारात्मक सोच पीछे रह गई और उसके दिमाग जो सुन हो चुका था उसने थोड़ा सा काम करना शुरू करा और उसने सोचा अरे मुझे जब तैरना आता है तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। उसने हाथ पैर मारे और धीरे धीरे वो नदी के किनारे पर जाके आ गया और इस तरीके से उसने अपने प्राण बचा लिए। तो बेटा इस कहानी से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ जब आप लोगों के आसपास जब नेगेटिव सोच वाले लोग होते हैं हमेशा ये कहते हैं कि तुम ये काम नहीं करोगे, तुम ये करोगे तो तुम हार जाओगे, तो तुम्हारा वैसे ही मनोबल टूट जाता है। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को बना के रखो, ऐसे लोगों से दोस्ती करो। So this is the end of our assembly. Hoping all the Jagritians are happy and healthy at their home. Thank you.